नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूँ बिहार शिक्षक भर्ती में बहुत बड़ी बदलाव होने वाली है। NCTA Act 2015 लागू होगा। शिक्षा मंत्री के द्वारा मानसून सत्र में ये बातें कही गई है। इसमें क्या बदलाव होगा और कब से ये नियम लागू होगा, आइए जान लेते हैं एक एक करके पूरा बात। दोस्तों, अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लें, ताकि हमारे चैनल के माध्यम से इस प्रकार के जो भी अपडेट हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आपको बता दें कि राज्य में सरकारी स्कूलों में सेवारत में रहे मृतक शिक्षकों के आश्रितों को योग्यता के अनुसार अनुकंपा और अन्य पदों पर नियुक्ति होगी। शिक्षा विभाग के द्वारा ये निर्णय लिया जा रहा है और जल्द ही इसकी घोषणा के आसार है। शिक्षा मंत्री ने मानसून सत्र में विधानमंडल में यह बातें एक तारांकित सवाल में कही है। आपको बता दें कि वैसे आश्रित जिनके पास शिक्षक प्रशिक्षण अथवा शिक्षक पात्रता का उत्तीर्णता का प्रमाण पत्र नहीं है, उनकी अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति फिलहाल इसमें होने में कठिनाई है। और इसको ध्यान में रखते हुए वैसे अभ्यर्थी जिनके पास अपेक्षित शैक्षणिक या उसके योग्यता का STT या TET उत्तीर्णता नहीं है, उनके लिए अन्य योग्यता पर नियोजन पर शिक्षा विभाग के द्वारा विचार किया जा रहा है और उनको संशोधन करके इसमें नियम जो है लागू किया जाएगा। तो ये रहा शिक्षा विभाग के द्वारा अब नियम में बदलाव किया जाएगा, इसको पूरा नए सिरे से तैयार किया जा रहा है। आपको बता दें कि शिक्षकों की नियुक्ति में बिहार समेत जितने भी देश भर में अलग अलग राज्य में नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन NCTE Act लागू होने के बाद इस पदों पर नियुक्ति होने के लिए तय सीमा के तहत इसमें अलग अलग छूट दिया जाता था और NCTE के Act लागू होते थे, लेकिन इसके तहत शिक्षक बनने के लिए इसमें TET या STET या CTET का उत्तीर्णता इसमें होना अनिवार्य था। अब इसमें अलग अलग बिहार में राज्यों में, पहले बिहार में आपको बता दें कि NCTE Act 2015 लागू था। आइए जान लेते हैं कि NCTE Act क्या है। आपको बता दें कि NCTE Act 2015 में लागू किया गया था और उससे पहले शिक्षकों की मृत्यु पर उनके आश्रितों के रूप में नियुक्ति होती थी। नियोजन नियमावली में लागू होने के बाद आश्रितों का नियोजन होने लगा, परंतु 2015 से अनुकंपा नियुक्ति राज्यभर में प्रायः अब ठप कर दिए गए हैं और बिहार के शिक्षा विभाग में छूट देने तथा तय सीमा में प्रशिक्षित होने की मांग पर कई इसमें पत्र दाखिल किए गए हैं और NCT से इसका मान्यता भी दिया गया है, लेकिन इससे अब 2015 के बाद से इसको ठुकरा दिया गया और प्रायः यह अभी भी ठप है। इसके लिए सैकड़ों आश्रित परिवार शिक्षकों का नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। तो यह अब 2015 का जो NCTE Act लागू होगा और इस पर विचार किया जा रहा है अनुकंपा के आधार पर। अगर आपके पास CTET या STET का कोई सर्टिफिकेट नहीं है, उत्तीर्णता नहीं है, अगर आपके पिताजी इसमें नौकरी में हैं, तो ये अब नियम लागू होगा, अनुकंपा के आधार पर अब शिक्षकों में बहाली की जाएगी। तो ये रहा इसका सेवा शर्त। तो हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो पूरा पसंद आया हो और इसको लाइक शेयर अवश्य करें, ताकि आपके दोस्तों को भी इसका लाभ मिल सके। तो मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।